हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस माय नेम मिस तरुण और हम आपके लिए लेके आएँ एक और एक्सपायरी के बाद uh, कल क्या होगा बैंक निफ्टी निफ्टी का एक प्राइस uh, एक्शन uh, के हिसाब से एनालिसिस uh, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पता करते हैं कि क्या हो सकता है कल आज एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था आ, कल के लेवल्स पर कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया उसके बारे में बात करते हैं और कल की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है एक बार उसके ऊपर जल्दी से नजर दौड़ा लेते हैं चलिए चलते हैं चार्टे बैंक निफ्टी का नाइन से देखिए इसने कल एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया था लेकिन आज एक और बड़ा ही फॉल आया और हमारे लेवल्स के पास से जैसे मैंने बोला था गैप अप होगा कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको एक लेवल दिया था कि एक ये बड़े लेवल की एक तैयारी चालू है ये देखिए मैं बोधवार से ट्रेंड लाइन खींच के दिखा देता हूँ मैंने कल ये ट्रेंड लाइन आपको खींच के दी थी जब यहाँ से ये कैंडल बना था तो मैंने बोला था कि ये जो कैंडल है देखिए ओपनिंग इसके आसपास हो सकती है ये 24000 के आसपास ओपनिंग हो सकती है और यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है और एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्शन मिला और ट्रेंड वापस आ गया ये रिजेक्शन हेल्दी है डोंट वरी इतना घबराने की कोई बात नहीं है लेकिन ये रिजेक्शन बहुत ज़रूरी था ताकि जैसे बोलते हैं शेयर जब एक लंबी छलांग के लिए तैयार होता है तो वो चार कदम पीछे ज़रूर जाता है सो तो ये कदम पीछे गए हैं फॉल की वजह से नहीं ये कदम पीछे गए हैं एक लंबी छलांग की आ, से के पहले की शांति है लंबे तूफान आ, बड़े तूफान आने से पहले की शांति है सो so, ये हुआ है रिटर्न लाइन टूटेगी अब फॉर श्योर आ, लेकिन अभी थोड़ा सा और स्कोप पे थोड़ा सा और रिट्रेस कर सकता है कितना रिट्रेस कर सकता है वो भी देख लेते हैं मैं ट्रेनलाइन हटा के आपको दिखाता हूँ फिबोनाकी टूल के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस किस हिसाब से हमारी एनालिसिस बनती है आ, ब, 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 बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे मैंने किसका स्विंग लो और स्विंग हाई से मैच किया अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर स्पेस है रूम है बैंक निफ्टी को गिरने के लिए तो रिट्रेसमेंट जब भी होती है रिवर्सल जब भी आएगा 38 परसेंट या 50 परसेंट मैक्सिमम 61 परसेंट के पास आ सकता है सो so, हमारे जो लेवल्स हैं वो ये हैं बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी बाईस के पास से रिवर्स ले सकता है रिवर्सल ले सकता है अगर वो बाईस का लेवल तोड़ता है तो वो डेफिनेटली बाईस के लेवल के पास आएगा और वहाँ तक के लिए हम अपनी तैयारी कर सकते हैं वहाँ से रिवर्स होगा एक तो ये पॉइंट था उससे उससे पहले एनालिसिस मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था वो ट्रेंड लाइन ये देखिए आज उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको वो फॉलो कर रहा था और हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको हमने ड्रा किया था जिस पर देखिए एग्जैक्टली exactly उसी पॉइंट पर ये बाउंस हुआ था कल और आ, मार्केट ऊपर गई थी आज इन दोनों लाइंस को ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है देखिए जिसका साफ साफ मतलब ये है कि कल की जो मार्केट है वो गिरने वाली है और नीचे जाने वाली है मैं एक गैप डाउन या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगी या गैप डाउन हो सकता है और ये जो पैटर्न हुआ है ये है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न और उसके बाद मार्केट गिरती गिरती है देखिए अगर आपको एग्ज़ाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं ये देखिए मार्केट ने ऐसा पहले भी किया था एक बड़ी कैंडल बनी थी उसके बाद फॉल आया था आ, वैसे ही आ, यहां पर भी फॉल हो हो सकता है लेवल क्या हो सकते हैं लेवल हमारे हो सकते हैं 22,800 अगर 22,800 का लेवल टूटता है तो हमारा जो अगला लेवल होगा बाईस बाईस हज़ार तीन सौ का लेवल होगा जिसके पास से रिवर्सल होगा तो ये लेवल जो है बाईस हज़ार आठ सौ और बाईस बाईस हज़ार आठ सौ के बाद बाईस हज़ार तीन सौ के जो लेवल हैं उनका आप खास तौर से ध्यान रखिएगा बीच में एक बाईस हज़ार छः सौ का भी लेवल है जहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है लेकिन जो मेन लेवल है फिर uh, रिट्रेसमेंट के हिसाब से वो दो लेवल बनते हैं बाईस हज़ार आठ सौ और बाईस हज़ार तीन सौ बीच में बाईस हज़ार छः सौ का एक छोटा सा स्टॉप uh, uh, लेवल भी है जिसको आप इग्नोर मत कीजिएगा मैं आपको एक और स्टडी बताना चाहूँगा अगर आप आ, प्राइस एंड एक्शन को फॉलो करते हैं तो एक थ्योरी है विच इज़ एलिएट वेव इम्पल्स वेव देखिए उसके हिसाब से भी देख लेते हैं पांच वेव में ये काम करती है और ये थर्ड वेव इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है ना बिकॉज इसका जो सेकेंड वेव था वो छोटा था इसकी फोर्थ वेव जो है वो बड़ी हो सकती है और आ, मैंने अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने एलेट वेव का भी आ, आपको हिसाब लगा के दिया था कि कितने कितने लेवल पर जा सकती है सो so, फार so हमारी एलेट वेव की स्टडी को आ, ये फॉलो कर रही है ये आ, अगर देखेंगे तो ये एलेट वेव के हिसाब से थ्योरी बनती है क्योंकि इसकी सेकेंड वेव छोटी थी इसकी जो फोर्थ वेव है वो इसके डबल हो सकती है सो so, डबल की अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल आ, करीब करीब छः सात छः सौ से सात सौ पॉइंट का डिफरेंस है तो यहाँ पर एटलीस्ट जो है यहाँ से जो फॉल हो सकता है वो करीब करीब आपका बारह सौ से लेकर चौदह सौ पॉइंट तक का फॉल हो सकता है तो अगर मैं यहाँ से देखूँ बाईस हज़ार सॉरी चौबीस हज़ार दो सौ से अगर मैं हज़ार अगर मैं मान चौदह सौ माइनस करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि चौबीस बाईस सॉरी चौबीस हज़ार ये क्या लेवल है चौबीस हज़ार दो सौ मतलब चौबीस हज़ार दो सौ में से अगर हजार पॉइंट माइनस करते हैं तो तेईस हज़ार दो सौ का लेवल आराम से आ सकता है और uh, उसमें से भी चार सौ आप माइन करते हैं चौदह सौ के हिसाब से तो आठ सौ तो ये लेवल मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताया था कि बाईस हज़ार आठ सौ का लेवल बड़ा क्रूशल होगा जहाँ से हो सकता है थर्टी एट फिबुनाकी के हिसाब से भी वो थर्टी एट परसेंट बनता है अगर ये लेवल टूटता है जो कि बहुत ही क्रूशल uh, लेवल है तो हमें बारह बाईस हज़ार छः सौ और बाईस हज़ार तीन सौ का लास्ट लेवल है जो बल्सलेव इतनी चौथी वेब बड़ी हो सकती है और यहाँ से ऊपर जा सकती है पाँचवीं वेब डेफिनेटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक जाएगी और हमें मोटा पैसा देगी तो ये थे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए आप देख सकते हैं इसके हिसाब इस से ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी की आ, को भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है लेकिन निफ्टी का देखिए अगर देखेंगे यहाँ पर भी बैरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है बहुत क्लियर है बैरिशंग गल्फिंग का अपना पैटर्न बना है तो कल निफ्टी भी गिरने वाली है अगर आप देखेंगे पुराने टाइम पर भी निफ्टी ने ऐसा ही पैटर्न बनाया था ये देखिए बैरिश इंगल्फिंग उसके बाद फॉल आपके सामने है यहाँ पर भी इसने बैरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाया उसके फॉल देखते हैं तो हम तीनों चीज़ों के हिसाब से एक कैलकुलेट करके देखते हैं सबसे पहले फीबोनाक टूल के हिसाब से देख लेते हैं कितना परसेंट रिट्रेसमेंट बनता है देखिए इसने आज हमारा लेवल तोड़ दिया ये लेवल जो है फर्स्ट लेवल थर्टी एट परसेंट के हिसाब से घूमना चाहिए तो ग्यारह हज़ार सौ साठ का जो लेवल है फाइव सिक्सटी का जो लेवल है ये बड़ा क्रोशल ले, लेवल रहेगा और अभी रूम है मतलब अभी मार्केट खड़ी है ग्यारह हज़ार छः सौ के पास और अभी 560, 560 तक 11560 तक ये आराम से गिर सक मार्केट आ सकते है और यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके वापस जा सकती है अगर इस ये लेवल टूटता है 11500, 560 का लेवल टूटता है 11560 का तो ये सेकेंड लेवल हमारा होगा जो लास्ट लेवल होगा वो होगा 11408 ठीक है ये लेवल्स हैं फीवो टूल के हिसाब से अब वहाँ से अगर ये यहाँ से और यहाँ से दोनों में से अगर रिवर्सल होती है एक बहुत हेल्दी चीज़ है मैंने पहले भी बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं जो है जो रिट्रेसमेंट है काफ़ी हेल्दी है बिकॉज आफ्टर अ बिग रैली रिट्रेसमेंट इज अ मस्ट अच्छा हुआ ये लंबी कैंडल्स में आ गई छोटी छोटी कैंडल्स में नहीं आई है दैट इट मीन्स दैट जितनी लंबी कैंडल्स में नीचे आ रही है लंबी कैंडल्स में ये ऊपर भी जाएगी सो so, अगर अगर आपको डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको एक बुल रैली भी इसी तरीके की मिलेगी जिसके अंदर आप बहुत सारा पैसा जो है बना सकते हैं सो so, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा ले बट लेवल याद रखिएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल फिबुनाक की टूल के हिसाब से बाईस और बाईस हजार तीन, तीन लेवल्स हैं जो बड़े ही क्रूशल है इनके इन लेवल्स पर अगर आपको कोई बुलिश कैंडल uh, फॉर्मेशन मिलता है तो आप बाइक साइड जा सकते हैं और अगर आपको कोई बैरिश कैंडल फॉर्मेशन मिलता है तो आप सेल साइड पर जा सकते हैं लॉन्ग मत रहिएगा जब तक बैंक निफ्टी 22,400 के सॉरी तेईस हज़ार के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आप लॉन्ग uh, मत रहिएगा मार्केट बोलते नहीं कि मार्केट बारिश मोड में ऑलरेडी एक्टिवेट act, uh, हो चुकी है एंटर कर चुकी है और इन लेवल्स के आसपास ही अब मार्केट आपको उठती हुई दिखाई देगी सो so, ये जो हमारे लेवल्स हैं ये याद रखिएगा और उसके हिसाब से अपनी कल ट्रेड प्लान कीजिएगा आई होप यू हैड मेड मनी टूडे एज वेल एंड uh, आने वाले दिनों में भी आप खूब पैसा बनाए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाख लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने uh, ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ में डोंट फरगेट टू जॉइन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण इज़ दी हैंडल नेम यू कैन सर्च ट्रेडिंग विद तरुण इन यू कैन ज्वाइंट द चैनल आज वहाँ पर ये एक, हमारी मैंने यहाँ पर एक uh, आप हमारे जो सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर हैक जो हमने यूट्यूब पर शेयर किया है वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं उसके हिसाब से हमें आज यहाँ एंट्री मिली तेईस हज़ार आठ सौ पचास के पर, पर हमारे एंट्री हुई थी जो हमारा मेन पॉइंट था वहाँ पर हमने एंट्री हुई वहाँ से मैं सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट्स का गेन हुआ नाइन फिफ्टी कैनल का ब्रेकआउट के हिसाब से ये मैं टाइम टाइम पर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर रहा था सो so, आप जुड़े रह सकते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ के लिए Uh, आज की मार्केट गिरने के अंदर कुछ रीजंस भी रहे हैं जैसे कि यूरोपियन मार्केट गिरना शुरू हुई थी साढ़े बारह एक बजे के आसपास क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन के रूल्स काफ़ी स्टिक कर दिए गए हैं uh, चाइना की तरफ से वॉर थ्रेट uh, की न्यूज़ जो थी वह बहुत uh, uh, एक द रीज़न बनी uh, एक ग्लोबल मार्केट वॉज नेगेटिव शेप डाकल और डावर नैजडैक कल नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से जो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव सेंटिमेंट बना के रखा हुआ था उसके अलावा बॉम्बे में कोई आप गूगल कर सकते हैं कोई स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर ने कुछ फ्रॉड किया है जिसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा गूगल करके कर देख सकते हैं सो so, ये सारी नेगेटिव यू नो न्यूज़ भी एक रीज़न बनी मार्केट के फॉल का जो फंडामेंटल रीजनस है जो हमारे प्राइस एंड एक्शन के रीजंस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फंडामेंटल रीजंस या न्यूज़ बेस्ड रीजंस भी आपको पता होना चाहिए वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया और ये सारे चीज ये रीजंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करता रहता हूँ ताकि आप सब अपडेटेड रह सकें और अच्छे तरीके से पैसा बना सकें और मार्केट में लंबे टाइम तक बने रह सकें सो गाइज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर ट्रेडिंग ट्रेडर्स फ्रेंड्स एंड स्टेट एंड हैव अ प्रोडक्टिव फ्राइडे and a happy weekend ahead.